मुझे प्लेनरी सेशन में दो भाषण करने हैं, एक इंट्रोडक्शन का भाषण और दूसरा कंक्लूजन का भाषण। कंक्लूजन के भाषण में मैं थोड़ा लंबा बोलूंगा, जो आप कहेंगे उसको सुनकर मैं अपनी आपको पोजीशन और सोच बताऊंगा। इंट्रोडक्टरी भाषण में मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। आज देश में गुस्सा फैलाया जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है। हिंदुस्तान के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाया जा रहा है। हमारा काम जोड़ने का काम है। ये जो हाथ का निशान है, यही एक निशान है जो हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर सकता है, यही एक निशान है जो इस देश को आगे ले जा सकता है। और इस चिन्ह के, इस निशान के रिप्रेजेंटेटिव्स, इस निशान की जो शक्ति है वो आपके अंदर है। तो अगर जे देश को जोड़ने का काम करना है, हम सबको मिलकर, आपको मिलकर और देश की जो जनता है उनको मिलकर करना पड़ेगा। ये जो हमारा प्लेनरी है, इसका लक्ष्य देश को और कांग्रेस पार्टी को रास्ता दिखाने का है। सामने सोनिया जी बैठी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, हमारे सब सीनियर नेता हैं, चिदंबरम जी हैं, अमरिंदर सिंह जी हैं, सिद्धरमैया जी हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हैं और मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ी, इस चिन्ह का, इस चिन्ह की रक्षा की। अधिवेशन भविष्य की बात कर रहा है, बदलाव की बात कर रहा है, मगर हमारे ट्रेडिशन में बदलाव किया जाता है मगर बीते हुए समय को भूला नहीं जाता है। तो युवाओं की बात होती है मगर मैं स्टेज से कहना चाहता हूं कि अगर युवा कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे तो जो हमारे एक्सपीरियंस नेता हैं उनके बिना कांग्रेस पार्टी आगे नहीं जा सकती है। तो मेरा काम सीनियर्स को और युवाओं को जोड़ने का काम है, एक नई दिशा दिखाने का काम है और देश को, और देश में जो करोड़ों युवा हैं जो आज थके हुए हैं, जब वो मोदी जी की ओर देखते हैं उन्हें रास्ता नहीं दिखाई देता है, उन्हें यह बात समझ नहीं आती है कि उनको रोजगार कहां से मिलेगा, किसानों को सही दाम कब मिलेगा। तो देश एक प्रकार से थका हुआ है, रास्ता ढूंढ रहा है। और मैं दिल से कहता हूं कि देश को सिर्फ कांग्रेस पार्टी रास्ता दिखा सकती है। कांग्रेस पार्टी में और विपक्ष में क्या फर्क है? एक सबसे बड़ा फर्क है, वो क्रोध का प्रयोग करते हैं, गुस्से का प्रयोग करते हैं, हम प्यार का प्रयोग करते हैं, हम भाईचारे का प्रयोग करते हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोहराना चाहता हूं कि ये देश हम सब का है, हर धर्म का है, हर जात का है, हर व्यक्ति का है। और जो भी काम कांग्रेस पार्टी करेगी वो पूरे देश के लिए करेगी, देश के हर व्यक्ति के लिए करेगी और किसी को पीछे नहीं छोड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म किया, देश में गुस्सा फैलाया जा रहा है, उन्होंने कहा रोजगार नहीं है। सवाल यहां पर यह कि उन्होंने कहा कि मैं अपना भाषण इस बार छोटा रखूंगा, मगर जो समापन भाषण होगा उसमें मैं अपनी बात रखूंगा, मगर यह भाषण महज 4 मिनट का था। क्या हम ये उम्मीद कर सकते थे कि इससे ज्यादा राहुल अपनी बात रखते? उन्होंने बीजेपी पर हमला किया कि वो गुस्से की राजनीति करती है और देश को जोड़ा सिर्फ कांग्रेस के इस हाथ के जरिए जा सकता है। युवा जब मोदी की तरफ देखते हैं तो उन्हें रास्ता नहीं मिलते। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला, और यहां पर वो पार्टी के दो नेताओं रणदीप सुरजेवाला और सुष्मिता देव के साथ में, तो महाधिवेशन से राहुल गांधी को आपने लाइव सुना, जहां उन्होंने 4-5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दी। नाउ वी अप्रोच अ सिग्निफिकेंट मोमेंट एंड इफ आई मे सो से सो एन इमोशनल मोमेंट। श्रीमती सोनिया गांधी जी, द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, who has seen us through many a tumultuous times, who has taken us out of many difficult moments. Sonia Gandhi ji ki saadgi, unki taakat, unki parishram ka ye phal hai ki desh ke har kone mein aaj Congress ka karyakarta hai aur Congress ka samarthak hai. I invite Shrimati Meera Kumar ji to say a few words इन ऑनर ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी जी। तो राहुल गांधी को आपने सुना कि देश को बांटने का काम किया जा रहा है, गुस्सा फैलाया जा रहा है, युवाओं को मोदी से कम उम्मीद है। मेरे साथ तमाम मेरे पैनलिस्ट बने हुए हैं, मैं त्वरित प्रतिक्रिया चाहूंगा 15-15 सेकंड में आप सबकी। अशोक वांकड़े, जो बात राहुल गांधी ने कही, मैं कुछ ज्यादा की उम्मीद कर रहा था उनसे। राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते, संवाद स्थापित नहीं कर पाते, और आज इतना गोल्डन चांस था उनके पास, वो क्या बोले वो खुद ही समझ नहीं पा रहे, असंभव था। एक सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस, चौथे सेंटेंस, क्या बोलना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, इट वॉज सो कंफ्यूजिंग। इससे बाहर आना पड़ेगा, संवाद स्थापित करना पड़ेगा। प्रतिक्रिया इस पे, मुझे लगता है राहुल जो थे वो कांग्रेस के ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे, ना कि पूरे देश को। और जिस तरीके उनका एक अपशॉट यही निकला कि उन्होंने कहा कि वरिष्ठ और युवा दोनों को तालमेल बना के रखेंगे, मतलब कांग्रेस में 2019 तक कोई संगठन में कोई व्यापक बदलाव नहीं होंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।